हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सेमी डेफिनेट सिस्टम इन ए टू डिग्री फ्रीडम सिस्टम। देखिए, टू डिग्री फ्रीडम सिस्टम में एक हमारा जो सेमी डेफिनेट सिस्टम होता है उस पर क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जीरो है और दूसरे की कोई वैल्यू है तो उसको हम सेमी डेफिनेट सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? टू डिग्री फ्रीडम सिस्टम के लिए, क्योंकि उसी में दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर एक जीरो है तो दूसरी की कोई वैल्यू है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सेमी डेफिनेट सिस्टम। तो देख लेते हैं, इसके ऊपर आपका ना शॉर्ट आंसर्स कई बार पूछा गया और इसके फॉर्मूलेस के बेस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं, क्लियर। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सपोज हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक ये है हमारा एक मास और ये एक स्प्रिंग के थ्रू दूसरे मास से अटैच है, क्लियर, ठीक। इसका सपोज डिस्प्लेसमेंट है x1, इसका डिस्प्लेसमेंट है x2। अब इस टाइप का सिस्टम सेमी डेफिनेट है। सिमिलरली अगर हम टॉर्शनल सिस्टम में देखें तो एक ये डिस्क है, ये एक शाफ्ट के थ्रू एक दूसरे डिस्क से अटैच है। इसकी सपोज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका है I2, इसकी टॉर्शन स्टिफनेस है KT और इस स्प्रिंग की स्टिफनेस है K। अब ये दोनों के दोनों में क्या, मेरे क्या सेमी डेफिनेट सिस्टम है। तो इन दोनों को देखने के बाद एक सिमिलैरिटी है। देखिए, इसमें अगर आप सिमिलैरिटी पे फोकस करें तो देखिए इसमें क्या है, एक मास ये, एक मास ये, ये दोनों क्या है, एक मिडल में इनके क्या लगी है, स्प्रिंग लगी है। मिडल में इनके क्या लगी है, एक स्प्रिंग लगी है, ठीक है। दोनों एंड पे मासेस, सेंटर में स्प्रिंग, क्लियर। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें, दोनों एंड पे डिस्क मतलब मासेस और सेंटर में शाफ्ट मतलब स्टिफनेस, क्लियर। तो अगर दोनों एंड पे मासेस हैं या डिस्क हैं तो बीच में स्टिफनेस पार्ट है, तो वो हमें सेमी डेफिनेट सिस्टम में आता है, क्लियर। तो अगर हम सेमी डेफिनेट सिस्टम आ गया तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए, स्प्रिंग मास के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा n1, तो जीरो हो गई, क्लियर, और ओमेगा n2 क्या होगी, k, दोनों मासेस का एडिशन डिवाइड बाय दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन और इन सब का स्क्वायर रूट। तो ये हमारी क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेकेंड हो गई, क्लियर। अब इस शाफ्ट डिस्क सिस्टम के लिए देखें, ओमेगा n1 क्या है, जीरो, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो जीरो होनी ही होनी है, तभी सेमी डेफिनेट है। और इसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्टिफनेस KT, क्लियर, दोनों मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन, क्लियर, डिवाइड बाय दोनों मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। ये हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको इन दो फॉर्मूलों को याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। इस पर क्या हमारा न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप में इसकी डेफिनेशन याद रखिए, इस फिगर्स को याद रखिए, इनकी फ्रीक्वेंसी याद रखिए। अगर आपको आता है 2-3 मार्क्स में तो आपने इसको लिख देना है, क्लियर। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, क्लियर। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।